और आपने ये भी जिक्र किया कि भारत के परमाणु घरों पर भी साइबर हमले हुए, कि जो साइबर पीस फाउंडेशन की हवाले से जो बताया गया कि भारत के बिजली सेक्टर के अलावा ऑयल रिफाइनरीज और परमाणु बिजली घरों में भी साइबर हमले किए गए, मैलवेयर घुसाए गए, और चीनी इसमें से ये भी क्या आशंका जताई जा रही है कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं इक्विपमेंट, पावर इक्विपमेंट, पावर सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है, कि कहीं उनमें भी इस तरह के मैलवेयर घुसाकर ही हमें नहीं दे दिए जाते हों। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था हाल के सालों में चीन की सप्लाई चेन पर काफी अधिक निर्भर होती जा रही है। भारत का जो बिजली सेक्टर है, बिजली सेक्टर के जो उपकरण होते हैं वो चीन से आयात किए जा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कम्युनिकेशन सेक्टर हैं, उनके जो उपकरण हैं वो चीन से आयात किए जा रहे हैं। तो भारत के जो सुरक्षा हलकों में यही मानना है कि इन उपकरणों में ऐसे चिप लगा दिए जाते हैं जो हमारी कंप्यूटर प्रणाली को खत्म कर सकते हैं। उन्हें यदि दुश्मन देश हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके उसे एक्टिवेट कर दें, सक्रिय कर दें, तो हमारी जो कंप्यूटर प्रणालियां हैं, जो जो परमाणु बिजली घर हैं, जो जो वैमानिक की सेवाएं हैं और जो बिजली ऑयल पाइपलाइन की जो सेवाएं हैं, उनको प्रभावित किया जा सकता है, उनको क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, उन्हें तबाह किया जा सकता है और इस तरह पूरा देश का जनजीवन ठप हो सकता है। तो यह बड़ी चिंता की बात है कि चीन के जो साइबर वॉरियर्स हैं वे भारत के परमाणु बिजली घरों पर भी हमले करने लगे हैं। हालांकि भारत के परमाणु बिजली घरों में इतनी मजबूत फायरवॉल खड़ी कर दी गई है कि हमले कारगर नहीं होते, लेकिन चिंता की बात यही है कि यदि चीन द्वारा डाले गए कोई मेलवेयर यदि किसी कंप्यूटर तंत्र में घुसने में सफल हो गए, कामयाब हो गए, तो किसी परमाणु बिजली घर में बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इससे देश को बड़ी तबाही हो सकती है, जनजीवन पूरा तबाह हो सकता है, लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तो यह एक बड़ी चिंता की बात है और इससे बचाव के लिए भारत की जो कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली है उसे और भी जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी।